हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल आके टेक्निकल में। काफ़ी दिनों बाद फिर से एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आप लोग जानते हो कि मैं भी जॉब करता हूं, तो जॉब में अक्सर वक्त नहीं मिल पाता कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ। लेकिन जब भी मुझे कोई ऐसा कमेंट्स आता है, कोई रिक्वेस्ट आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके लिए एक वीडियो बनाऊँ और जो वो जानना चाहते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ वो जान पाए। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आया है आज कि सर ऊंचाई पर गाड़ी को रोककर फिर से चलाएं, जिससे कि गाड़ी पीछे ढूंढना नहीं चाहिए, इस चीज़ का जानकारी वो चाहते हैं। तो आज मैं इस चीज़ को आप लोग को लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ लाइव दिखाए हैं आप लोग को, काफ़ी सारी जानकारियाँ मैंने आप लोग को दिया है जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सालों पहले मैं भी जब हैंड टर्न नंबर नहीं चला रहा था, तो मेरे मन में भी ये सवाल आया था कि अगर चढ़ाई पर गाड़ी रुक जाए तो ऐसे हालात में क्या करना होगा। चूंकि ये ट्रांसमिशन गाड़ी, उसमें क्लच भी नहीं होता, तो हमें क्या करना होगा। तो आज इसी के बारे में आज हम जानेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन घंटी होगी उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हर पे डंपर से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त मैं भी डंपिंग के एरिया में हूँ। एक डंपिंग वहाँ पे ऊपर में है और ये सेकंड डंपिंग उसके नीचे चल रहा है अभी। तो मैं डंपिंग के एरिया में हूँ, अपने गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, और उधर नीचे हमारी मशीन चल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं चलूँगा अभी उस मशीन के पास जहाँ मेरी लोडिंग चल रही है गाड़ी की, और उधर से आते वक्त ये डाउन शिफ्ट का एरिया है जहाँ से हमें नीचे उतरना है। तो वहाँ पर गाड़ी को खड़ी करेंगे और उसे गियर पर डाल करके कैसे वहाँ से उठाना है, गाड़ी हमारा एक इंच पीछे ढलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने लोडिंग एरिया पर, वहाँ से गाड़ी को लोड लेना है और वापस आते वक्त इस एरिया पर गाड़ी को खड़ी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो वीडियो में बने रहना। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आ चुका हूँ अपने लोडिंग पॉइंट पर जहाँ मेरी गाड़ी लोड हो रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त गाड़ी हमारी लोड हो रही है। ये 950 मशीन है, काफ़ी पावरफुल मशीन है, तो इसे हम लोड होने देते हैं। जब 100 टन हमारा लोड हो जाएगा, उस वक्त हमें गाड़ी को यहाँ से मूव करना है, और मैं चलूँगा उस डंपिंग के उस एरिया पर जहाँ पर मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। जब तक गाड़ी हमारी लोड हो रही है, तब तक मैं आप लोगों को कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। हालांकि फ्रेंड्स, ये गाड़ी कभी भी चढ़ाव पर रुकती नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन गाड़ी है, ऑटोमेटिक ही गियर शिफ्ट होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एल यानी कि लोड गियर का भी सिस्टम है। अगर गाड़ी बहुत धीमी हो जाती है तो उस जगह पे लोड गियर ऑटोमेटिक ही शिफ्ट हो जाता है, ताकि गाड़ी कहीं भी रुके ना। फिर भी इनकेस कभी भी अगर ऐसा आपको लगे कि गाड़ी हमारी बहुत धीमी हो गई है, रुकने वाली है, तो वैसे हालात में आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक स्विच है जिसे पावर मोड कहते हैं। जब भी गाड़ी आपकी बहुत धीमी हो जाए, अगर आपको लगने लगे कि अब हमारी गाड़ी रुकने वाली है, तो इस पावर स्विच को इस्तेमाल करें आप। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे प्रेस करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक सिंबल आया हुआ है, ये पावर स्विच का सिंबल है, ठीक है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी गाड़ी की आरपीएम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ओवर रेस हो जाएगा, और जब आपका चढ़ाव का लेवल थोड़ा कुछ कम हो जाए तो उस वक्त आप इसे ऑफ कर दें। जब आप इसे ऑफ करेंगे वो सिंबल चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से आप गाड़ी को अपने हिसाब से चला सकते हैं, गाड़ी आपकी कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे गाड़ी अब हमारी हैंड टर्न होगी, अब हम यहाँ से निकलेंगे और मैं आपको ले चलूँगा डंपिंग के उस एरिया पर जहाँ सबसे ज़्यादा हाइट होगा, उसी जगह पर रुक करके मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे इस गियर सिस्टम को शिफ्ट करना है, ताकि आपकी गाड़ी एक इंच भी पीछे ना ढले। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं लोडिंग पॉइंट से निकल चुका हूं। अब मैं आपको ले चलूंगा उस एरिया पे जहां पर मुझे सारा कुछ आपको बताना है, समझाना है कि जब आपकी लोड गाड़ी अगर रुक जाए चढ़ाव पर, तो कैसे वहां से आपको बिना पीछे ढले गाड़ी को उठाना है। हालांकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये गाड़ी कभी भी चढ़ाव में रुकती नहीं है, लेकिन कभी भी इनकेस ऐसा अगर हो कि गाड़ी खुद से रुक जाए या किसी कारण से आपको रुकना पड़ जाए, तो
तो क्राइटेरिया सेम होने वाला है, उसे कैसे उस जगह से उठाएंगे, गाड़ी हमारी जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं ढालना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं गाड़ी को साइड में ले लेता हूँ ताकि आने जाने वाले दूसरी गाड़ी को प्रॉब्लम ना हो, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए मैंने गाड़ी को फिलहाल भी साइड कर लिया है। ये गाड़ी मैंने खड़ी कर लिया है और सबसे पहले मैं इसे पार्किंग में ले लेता हूँ, गाड़ी को न्यूट्रल कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं गाड़ी अभी मेरी खड़ी है और ये ब्रेक पैडल से मैंने अपना पैर को भी हटा लिया, साइड कर लिया है। फ्रेंड्स ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये हैनेटन कामात्सु का बता रहा हूँ। अगर ये 777 कैटरपिलर का होगा तो उसका पार्किंग ब्रेक लीवर में ही रहता है, इसलिए उसका सिस्टम कुछ और है। कभी अगर मौका मिला तो मैं उसके बारे में भी आप लोग को जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं ये गाड़ी हमारी खड़ी हो गई है या फिर किसी कारण से मैंने खड़ा किया है, तो अब हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसे प्रेस करके 6 मोड पे लगा लेंगे, ठीक है। 1 2 ये हमें 6 मोड पे लगाना है। इसका सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये मैंने इसे 6 मोड में लगा लिया है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये जब भी लोड गाड़ी चलानी हो तो 6 मोड पर चलाएं और खाली गाड़ी चलानी हो तो डी मोड में चलाएं। इस गियर सिस्टम के बारे में प्रॉपर मैंने एक वीडियो पहले से भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिए। इस गियर के सिस्टम के बारे में मैंने काफ़ी बारीकी से बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने 6 मोड पर लगा लिया और जैसे कि देख पा रहे हैं अभी ये जो हमारा RPM है ये फिलहाल 6 में सेट है। तो अब क्या करना है, हमें एक्सीलेटर पे पैर रख के हल्का सा इसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है 1 पॉइंट आगे कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, 1 पॉइंट करना है। और जैसे ही अब मैं इसे पार्किंग ब्रेक को ऑफ करूँगा उसके बाद जस्ट हमें अपना एक्सीलेटर को फुल प्रेस करना है, गाड़ी बिल्कुल ही 1 इंच भी पीछे नहीं ढलेगी और गाड़ी हमारा जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं इसे प्रेस करूँगा गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा आपने काफ़ी आसान है, काफ़ी आसानी से आप इसे चला सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे, हॉपलेस लगे, लेकिन जब आप ड्राइव करेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है। चलिए और मैं आगे आपको बताता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है जब आपकी गाड़ी चढ़ाव पर खड़ी हो जाए। तो लाइव रू के साथ मैंने आप लोग को बताया है। एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं जो कि 110 डम्फर से रिलेटेड है। अगर आप कुछ भी जानकारी अगर चाहते हैं हॉलपैक डम्फर से तो मेरे प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप हॉलपैक डम्फर चलाना सीखना चाहते हो, उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगा। मेरा यकीन मानिए कि आपको किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्प रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करना। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।